ग्वालियर में हो रहे अनुसूचित जाति के कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से भावुकता वाला भाषण दिया और उसके बाद अनुसूचित जाति के नेताओं को उन्होंने अपने हाथों से खाना भी परोसा। आपको बता दें कि ऐसी समाज के नेता गोपीलाल जाटव की थाली में खुद खाना खाया। वहीं श्याम वाटिका में आयोजित इस कार्यक्रम में सिंधिया ने अनुसूचित जाति समाज के नेताओं और आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया परिवार ने हमेशा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए काम किया है और हमेशा करते भी रहेंगे। महाराज ने जो भाषण दिया था ना कि मैं ना रहूं, इस बात को लेके महाराज से के मन से ऐसी बात कभी मत भूला करो। इसके वजह से महाराज ना रहने के बात कही, उस पे थोड़ा दुख हुआ। होने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के सामने ही किया, इसमें कोई दो राय नहीं। केस जिसके भी विरुद्ध लगे थे, चाहे मेरे विरुद्ध लगे हों, आपके विरुद्ध लगे हों, सारे केस वापस लिए जाएंगे। ये निर्णय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया है आपके समक्ष ही, उनको मैं इस आपके माध्यम से उनको धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूँ। मैंने मन से भी उनको धन्यवाद।